नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 और 28 अप्रैल की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें। तो आए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। तो आए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं यश में घरों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर राशि में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे होती होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, 27 अप्रैल की बात करें तो दोस्तों ये दिन बुधवार का दिन होगा। क्रिसमस की द्वादशी तिथि रहेगी और इस दिन दोस्तों उत्तर भाद्रपदा पूर्व भाद्रपदा नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों इस दिन इंद्र नाम का शुभ योग और वैधृति नामक शुभ योग रहने वाले हैं। राहु कल के समय दिन दोपहर के 12:24 लेकर दोपहर के 2 बजे तक रहेगा। और दोस्तों, चंद्रमा दिन कुंभ राशि के उपरांत मीन राशि में संचार कर जाएंगे। वे दोस्तों अगले दिन 28 अप्रैल की बात करें तो दोस्तों इस दिन गुरुवार का दिन होगा। कृष्णमास की त्रयोदशी तिथि रहेगी और दोस्तों उदरा भाद्रपदा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों इस दिन वैधृति नामक योग के उपरांत ही बीज कुंभ नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे और राहु कल के समय दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 3:36 रहेगा। और दोस्तों चंद्रमा दिन मीन राशि पर ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, के साथ बात करते हैं इन दोनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे जो आपको आर्थिक फायदा पहुँचाएगा। दोस्तों यश में रचनात्मक के काम में आपको सफलता मिल सकती है। अपने व्यक्तित्व और रंग रूप को बेहतर बनाने का कोशिश जो है संतोषजनक यश में साबित होगी। दोस्तों यश में यात्राओं से व्यवसाय के नए मौके आपको मिलेंगे। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो दोस्तों आपके आसपास कुछ तनाव हो सकता है। नगद या फिर पैसे जो है संभालने के दौरान आपको यश में सतर्क रहना होगा। दोस्तों किसी से अनावश्यक जो है उलझने की कोशिश आप न करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों किसी तरह के जो है वाद विवाद में जो है बचने का आप प्रयास करें। यह समय बच्चों की देखभाल आप करें। वही दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे अपनी क्रिएटिविटी के बूते पर सफलता अर्जित करने का समय होगा। यानी दोस्तों अपने आप पर अपने दम पर यह समय आपको सफलता प्राप्त करने का समय रहेगा। दोस्तों यह समय अगर आप किसी कला के क्षेत्र में काम करते हैं तो दोस्तों यह समय सितारे आपके फेवर में हो सकते हैं। कुछ आइडियाज जिन्हें फिलहाल नकारा जा सकता है भविष्य में दोस्तों आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। दोस्तों अपने लिए रोज की दिनचर्या में थोड़ा सा समय आप अवश्य निकालें। दोस्तों आप प्रयास करने के साथ जो है प्रयास को फलित होने का मौका भी दें, क्योंकि दोस्तों धैर्य और संयम से आपको यश में काम लेना होगा। धन लाभ के योग हैं। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये जो दिन होंगे धन लाभ और ख्याति पाने का समय होगा। वही दोस्तों इन दिनों में राजनीति के क्षेत्र में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छी सफलता प्राप्त करने की संभावना है। जो लोग सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं उन्हें अच्छे परिणामों की जो है प्राप्ति यश में हो सकती है। अच्छे परिणामों की प्राप्ति के साथ पदोन्नति का मौका भी उन्हें मिल सकता है। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में प्रेम संबंध इस समय आपके लिए आनंदित रहेंगे। आपका आकर्षण आपके प्रिय या फिर साथी को आपकी ओर जो है आकर्षित करेगा और दोस्तों आप दोनों एक साथ में बेहतरीन समय बिता पाएंगे। वही दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में आपको अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता भी होगी। वही दोस्तों यह समय अगर आपकी जो है हेल्थ को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे हेल्थ के मामले में आपको एसिडिटी या फिर गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो सकता है। साफ पानी आपस में आप पिए। दोस्तों ये जो दिन होंगे आपके लिए मानसिक शांति और संतोष अनुभव आप कर सकते हैं।
दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा पीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 9। दोस्तों यश में गणेश जी कहते हैं कि ये जो आपके लिए समय होंगे आप निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या पाया और कितना पाना बाकी है उसका लेखा जोखा करेंगे। अत्यंत तेजी से जो है अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप बुद्धिपूर्वक पुनः व्यवस्थित करेंगे। परिवार में आपकी रुखी व्यवहारिकता आपके प्यार के भूखे जीवन साथी को निराश करेगी, इसलिए दोस्तों यश में जो है उसका ध्यान रखने के लिए आपको गणेश जी कहते हैं। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी धन को लेकर बात करें यानी वित्तीय स्थिति की, तो दोस्तों यश में गणेश जी कहते हैं आपके धन के मामले में कि आपके सहकर्मी यश में आपको अच्छे मूड में देखकर जो है आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप काम करने के लिए जो है कमिटेड होंगे। आपका जो स्वभाव यश में होगा हंसमुख रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण जो है बैठकें होने की जो है संभावना यश में हो सकता है। दोस्तों यश में गणेश जी का मानना है कि आपका जो इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर होगा लोगों को प्रभावित करने के लिए एक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और दोस्तों आप सभी लोगों के सामने अच्छी तरह अपना प्रदर्शन कर पाएंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों इन दिनों में अपने प्यार की कंपनी का आप जो है आनंद लेते हुए इन दिनों के शाम में आप तल्लीन हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप ये सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे कि शाम को मजेदार बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, क्योंकि दोस्तों आपके दिमाग में कई योजनाएं होंगी। हालांकि आप अपने प्रेमी को खुश करने में सफल होंगे और उसे आपकी जो कंपनी है वह पसंद आएगी। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों ये जो समय होगा आपके लिए गणेश जी का मानना है कि आप जो है अच्छा खासा पैसा खर्च करेंगे। आपका खर्च जो है आपकी रोज की इनकम से अधिक हो सकता है। दोस्तों आप में महंगी या फिर शानदार वस्तुओं के खरीदने की इच्छा जो है बहुत तीव्र होंगी। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में गणेश जी का मानना है कि दिन के पहले भाग में जो चीज़ें गलत हुई है उनको लेकर जो है आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों दिन के दूसरे भाग में चीज़ें बेहतर हो सकती है। साथ ही दोस्तों इन दिनों में विश्वास कीजिए कि खुद पर यकीन ही बहादुरी का असली फर्क है, क्योंकि दोस्तों इसी के बल पर आप जो है लंबे समय से चली आ रही बीमारी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों आपके पास ये जो पैसा भी पर्याप्त मात्रा में होगा दोस्तों इन दिनों में, इसके साथ ही मन में भी आपका शांति होगी। दिन को खास बनाने के लिए शाम को परिवार के साथ किसी अच्छी जगह पर खाने पर आप जा सकते हैं। दोस्तों आपके प्रिय या फिर जीवन साथी का फोन आपका दिन को अच्छा बनाएगा। व्यवसायियों के लिए जो दिन है अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि उन्हें जो है अचानक बड़ा फायदा मिल सकता है। इस राशि वाले जातकों को ये जो समय होगा खाली वक्त में आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा करके आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती है। दोस्तों इन दिनों में जो है यह समय जीवन में आपको वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद देगा। दोस्तों ये जो समय होगा आपके लिए दूध व दही का आप सेवन करें, इससे दोस्तों आपका जो है स्वास्थ्य बेहतर होगा, स्वास्थ्य में लाभ होगा। तो आए दोस्तों अब बात करते हैं बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण टोटके के बारे में। दोस्तों अगर आपके ज़्यादातर कार्य असफल हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए कार्य सफल हो जाए, लेकिन दोस्तों कार्य के प्रारंभ होते ही उसमें विघ्न आ जाते हैं और वह कार्य जो है असफल हो जाता है। इसके लिए आपको यह करना चाहिए कि दोस्तों प्रातः काल में कच्चा सूत लेकर सूर्य के सामने मुंह करके खड़े हो जाएं, फिर दोस्तों सूर्य देव को नमस्कार करके ओम हिंग घृणी सूर्य आदित्य श्रीम मंत्र बोलते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जल में दोस्तों रोली चावल चीनी और लाल पुष्प डाल लें। इसके पश्चात कच्चे सूत को जो है सूर्य देव की तरफ करते हुए गणेश जी का आप स्मरण करते हुए 7 गांठ लगाएं। इसके पश्चात इस सूत को किसी खोल में रखकर अपनी कमीज की जेब में रख लें और दोस्तों इससे देखते ही देखते आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे।